इस वीडियो में आपको WAMS की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको तीन जो यूजर्स हैं इस WAMS सॉफ्टवेयर के लिए वो आपको मैं बता देती हूँ। हमारे पास इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए तीन यूजर्स हैं, ऑपरेटर, नाजिर और BDO। यहाँ पर मैं पहले ऑपरेटर से लॉगिन करके आपको ऑपरेटर का रोल दिखाऊंगी। नेक्स्ट आपको नाजिर से लॉगिन करके वैलिडेशन का रोल और उसके बाद BDO से लॉगिन करके आपको पोस्ट करने का रोल बताया जाएगा। BDO अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अकाउंटिंग पे क्लिक करना है। यहां पर आपको पेमेंट और रिसिप्ट और कैशबुक एंट्रीज सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। BDO को कैशबुक एंट्रीज बटन पे क्लिक करना है और जो भी नाजिर ने एंट्रीज की हैं वो उनको यहां पर दिखाई देने लगेंगी। मैंने दो एंट्री की थी, एक रिसिप्ट की और एक पेमेंट की। ये ऊपर की जो दो एंट्रीज हैं वो अभी जो मैंने एंट्री की थी वो उनको दिखाई दे रहा है। अमाउंट आप देख सकते हैं 2990 और 8760 जो दो अमाउंट था और मैंने एंटर किया था। यहाँ पर रेफरेंस नंबर जो मैंने रिसिप्ट और पेमेंट के लिए एंट्री किया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। BDO को इस रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस हाइलाइटेड जो दिखाई दे रहा है वो अनपोस्टेड है। BDO को यहाँ पर वो चेक कर सकते हैं कि अमाउंट सही स्कीम अकाउंट से डिडक्ट हुआ है या नहीं और कितनी अमाउंट की डेबिट और क्रेडिट हुई है। आप देख सकते हैं जो मैंने नरेशन में लिखा था वो यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है। अगर आप नरेशन ब्लैंक छोड़ देंगे तो BDO को यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि एंट्री जो हुई है वो क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अगर आपने नरेशन एंटर किया है तो नीचे यहाँ पर उनको दिखाई देगा और वो वेरीफाई कर पाएंगे कि एंट्री सही है या नहीं। नरेशन का यही इम्पोर्टेंस था जो मैंने बताया था कि मैं आपको एंड में बताऊंगी कि नरेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। BDO को पोस्ट करने के लिए इस पोस्ट बटन पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि एंट्री पोस्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अनपोस्टेड से पोस्टेड हो जाती है। इसी तरीके से उनको बाकी एंट्रीज भी जो की गई थी वो यहां से पोस्ट बटन पे क्लिक करके इस एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। यहां पर BDO का प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चीज है कि अगर आपने एंट्री गलत कर दी है और ये एंट्री पोस्टेड भी हो चुकी है तो उस केस में क्या किया जा सकता है ताकि वो एंट्री को हम लोग सही कर सकें। तो उस प्रोसेस के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने जो पेमेंट किया था बेनिफिशियरी शुक्ला एंटरप्राइजेस स्कीम अकाउंट था इंदिरा आवास योजना, उसको हमने 8760 का पेमेंट किया था। उस एंट्री को हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। यहाँ पर कैंसिल एंट्री का आपको बटन दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में। आप एंट्री कैंसिल करने के लिए आपको कैंसिल एंट्री बटन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं स्टेटस पोस्टेड से वापस अनपोस्टेड हो गया है। इसके बाद ये एंट्री वापस BDO के पास नाजिर के पास चली जाती है। नाजिर अपने लॉगिन से लॉगिन करके उस एंट्री को ड्राफ्ट स्टेज में ले जा सकते हैं। ये एक पेमेंट की एंट्री थी
आप देख सकते हैं नाजिर के पास अभी भी स्टेटस वैलिडेटेड है। इस एंट्री को कैंसिल, नाजिर अपने एंड से कैंसिल करने के लिए यहां पर बने अनरिकॉन्साइल बटन पे क्लिक करेंगे। आपको मैसेज दिखाई दे रहा है, आर यू श्योर टू अनरिकॉन्साइल एंड कैंसिल दिस रिकॉर्ड। ओके बटन पे क्लिक करना है और ये आप देख सकते हैं स्टेटस अभी भी इसका कैंसल्ड, वैलिडेटेड से कैंसल्ड स्टेज में आ जाता है। यहां पर और एक आपको बटन दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, जिस पर लिखा हुआ है सेट टू ड्राफ्ट। अनरिकॉन्साइल करने के बाद वो एंट्री कैंसल्ड स्टेटस में चली जाती है। इसको वापस से ड्राफ्ट स्टेटस में लाने के लिए, ताकि यहां पर एडिटिंग की जा सके, ये सेट टू ड्राफ्ट बटन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं स्टेटस वापस से इसका ड्राफ्ट हो जाता है। ऊपर बने एडिट बटन पे क्लिक करके जो भी मिस्टेक हुई थी आप यहां पर उसको करेक्ट कर सकते हैं और उसी तरीके से इसको सेव करके सेम प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया था नाजिर के वैलिडेशन का और वीडियो के पोस्टिंग का, वो सेम प्रोसेस आपको इस एंट्री के लिए दोबारा से करना होगा।